तो हम बहुत थोड़ा सा भटक गए हैं। अब क्या भटक गए तो भटक गए, अब क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, हम काफी मेहनत और मशक्कत के बाद एट लास्ट थ्रोन टॉप पे पहुंच गए और वहां पे जाकर हमने देखा प्यारा सनसेट। मतलब मैं काफी जगह घूमा पर इतना प्यारा व्यू मैंने अपने लाइफ में आज तक नहीं देखा। एंड लेट मी टेल यू, आई बीन टू प्लेस। और उसके बाद हम अपने कैंप्स पहुंचे और सरप्राइजिंग हमको वहां जाते ही नींद आ गई। फिर हम थोड़ी देर बाद उठे और फिर हमने किया डिनर। डिनर में था एक पनीर की सब्जी, दाल और चावल। अब मुझे ये नहीं पता कि वो डिनर था टेस्टी या फिर हम पूरे दिन जो थक के हमने मेहनत की थी उसकी वजह से हमको टेस्टी लग रहा था, पर ऊपर जो डिनर किया उसे खा के मजा। बाय द वे, अगर मुझे मिला तो आई विल पुट दैट गाइज नंबर इन द डिस्क्रिप्शन जिसने हमारा कैंप लगाया था, आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, काफी अच्छी सर्विस थी। और सरप्राइजिंग थी, उसके थोड़ी देर बाद हम फिर से सो गए। पर अगले दिन सुबह जो व्यू इतना शानदार था ना, वेट टू दिस व्यू, मतलब कैमरा कभी भी उसको जस्टिस नहीं कर पाया जो मैंने अपनी आंखों से देखा। इट वॉज ब्यूटिफुल। उसके बाद काफी देर तक हमने उस व्यू को निहारा और हमने अपना डिसेंट स्टार्ट किया टू द बेस का। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय YouTube चैनल, मेरा नाम रजत है, आप देख रहे हैं। सो कुछ ऐसा व्यू है तुरुन ट्रक से, तुरुन के टॉप से नहीं, मतलब उससे पहले जो कैंपिंग पॉइंट है वहाँ से टॉप दो और ऊपर जाके, पर यहाँ से भी काफ़ी बेहतरीन हुई है। यहाँ पे हमने स्टे किया कल पूरी रात, अभी हम ब्रेकफास्ट करके, ब्रेकफास्ट में हमने मैगी खाई और अब हम निकल रहे हैं। ये हमारी जनता है जो आधी उतर चुकी है, मुझे उतरना चाहिए, तो चलते हैं, लेट्स गो। दिस वाज द स्टीपेस्ट क्लाइंब, तो यहाँ पे उतरने में हमको थोड़ी परेशानी होने वाली है। हमने जो हमारा ट्रक से उतरने का टाइम स्टार्ट किया वो 8:45 पे, लेट्स सी हाउ मच टाइम विल टेक टू रीच द बेस कैम्प। एटलीस्ट देख सकते हैं आपकी कितना स्टीप था ये। अब नीचे जाना है तो मैं इसको गोप्रो को हटा देता हूँ क्योंकि मैंने चेस्ट नहीं पहना, वो कहीं ये गोप्रो ना गिर जाए, क्योंकि गिर गया तो ये तो नहीं आने वाला फिर वापस। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। जहाँ पे एरो फॉलो कर सकते हैं एरो को फॉलो करें, थोड़ा रास्ता आसान होता है। यहाँ से जैसे कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तो आराम से उतर सकते हैं, प्रॉपर सीढ़ियाँ। पर कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी चलानी है, वो एरोज को यूज नहीं करते, वो अपना बेवकूफ वाली भाषा। मैं तो नहीं आ रहा, मैंने एरो देख ली थी। बिना डंडी के अच्छा हाँ चलना हमको। ओह माय गॉड, क्या क्या डंडी पंडी लेके चल लो, चलो ऐसा चलता है। जैसे डंडी के बिना हम भी थोड़ा तेज चलेंगे। हाँ, तो तेज चक्कर में एक ही बार हमारे तो वेट कर रहे, तुम जा मत करो एहसान हम पे इतना। भाई उतर तो बड़े आसान से गया जाए, कोई कोई कुछ बोल भाई, मतलब उतरने क्यों नहीं चाहिए पहाड़ चढ़ा कोई कोई भी ऐसी तो। पर वही है, अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आती है चढ़ के। नो कमेंट्स। नहीं नहीं बिल्कुल, हम तो कल जा रहे हैं। ऐसे करती और आज देखो, नसीबों से मिलता है ऐसा व्यू लोगों को, नसीबों से गाते चल रही है। दो या दो, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। वाटर बॉटल फेंक दी भाई ने। यहाँ पे लोग पत्थर पे अपना नाम लिखते हैं। वो तो फिर भी ठीक है यार, कम से कम गंदगी तो नहीं कर रहे। एक पत्थर इतना बड़ा पहाड़ है, पहाड़ पे लिख के दिखा जाए तेरे बस के वहां लग के। मैं मान जाऊंगा, मत डालो भाई कूड़ा, कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि कुछ होते हैं ना ऐसी अच्छी प्रजाति के लोग, उनके बारे में कुछ बोलो कोई फायदा नहीं, वो तो कूड़ा फेंकेंगे। अभी से यहाँ पे जो गंदगी करी उसको कौन साफ करने आ रहा है भाई, कोई नहीं आ रहा। हम भी बोल रहे हैं हम थोड़ा साफ करने चले जाएंगे। दिस इज द लास्ट पॉइंट जिससे हमको पहाड़ों का व्यू दिखाई देगा, इसके बाद से हमारा पुराना बेकार सा रास्ता चालू हो जाएगा जिससे मेधा रोई थी। तो मेधा के लिए मैंने कंपोजिशन की है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आज मेधा फिर रोएगी। रोएगी मेधा क्या आज? मेधा फिर से रोएगी, अभी पता चलेगा आपको। दो मिनट बाद देखो, चील दिख रही है बेटा, ये इसलिए बैठे कि मैदा गिरेगी, मरेगी और फिर खाएंगे उसको। क्या ये व्यू ऊपर वाले व्यू जैसा है? आप कमेंट में बताइए मुझे कि सही में। मैं कुछ नहीं बोल सकता, बोलता क्यों है? मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, 8 बार बोल चुका हूँ मैं।
जाना इधर है, मार के यहाँ है। लास्ट व्यू है हमको जो मिलेगा टिप का, तो हमको जाना नीचे। यहाँ थोड़ा सा मैटर सीरियस है, जाओ आ जाओ। ये रास्ता थोड़ा डिफरेंट है, जिससे हम चढ़े थे उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये हमको दिखाई नहीं दिया था जब हम आए थे, और ना ही हमको स्टेडियम दिखाई दे रहा था, जो कि अब हमको दिखाई दे रहा है। देखते हैं अब कहाँ जाना है। तो हम थोड़ा सा भटक गए हैं, मेन रास्ता शायद वहाँ से है, वहाँ से लोग उतर रहे हैं और हम पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, पर हमको ये मिला है तो यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवाते हैं ना, याद तो रहेगा कुछ अलग गए थे। और यहाँ पे हम कुएं मंदिर के दर्शन, हम एरो देखते देखते आए, मुझे लगता है ये मंदिर के एरोस थे जिन पे हम पहुँच गए हैं। तो खैर यहाँ से काफ़ी अच्छा है, पर हमको अब उधर जाना पड़ेगा, वो लोग उतर भी गए शायद। रास्ता दिखा देना, चलते हैं कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे ही। अब क्या भटक गए तो भटक गए, अब क्या कर सकते हैं, रोने से कोई फ़ायदा नहीं। चलिए ये घर मिला है हमको रास्ते में, ये हमारा नया ट्रेल है जो हम ढूंढ रहे हैं, मतलब जो उतरने का ट्रेल है उससे अलग। चलो आओ, गड्ढे बनाए ना, इसी में पैर डालना। ठीक है, भयंकर रास्ते ढूंढे भाई, मजा आ रहा। यो आराम से आराम से आराम से, आराम से आराम से भाई। अरे कुछ नहीं, चलो साइड में से चल ले, कुछ लोग से जा रहा है, कोई रास्ता नहीं है, बस बनाने वाली बात है। यहाँ से आ जाए क्या, यहाँ से आके देखो ऊपर। तो हम आ रहे हैं कुछ इधर से और वो लोग जा रहे हैं उधर से, वही शायद उनके साथ गाइड है तो वही रास्ता मेन होगा। रास्ता बना देंगे हम, नया रास्ता बना दे हम। मैंने लाइन बोली थी ना कि मैं इधर होएगी, मैं इधर हो ही नहीं पाई क्योंकि रास्ता ही पूरा स्किप कर दिया। इस रास्ते से आना था हमको, हम आए हैं वो जो दिख रहा है ना, बिल्कुल बाउंड्री से आए हम। बात यह है कि जिस रास्ते से हम आए हैं वो रास्ता हमको जाते समय दिखेगा ही नहीं, क्योंकि दिख ही नहीं रहा वो, तो हम उससे जा ही नहीं सकते, बस आ ही सकते हो। वो रहा हमारा बेस कैंप, वहाँ पे शायद सब लोग होंगे, तो 5 लोग थे हमारे साथ। रास्ता तो हमको थोड़ी देर पहले मिल गया था, तो बस अब 10 मिनट में शायद पहुँच जाना चाहिए। वी हैव रीच्ड। तो तिरुन ट्रैक इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट ट्रैक, आप आराम से 2-3 घंटे में उसके टॉप पे पहुंच सकते हैं अगर आप गर्मी में जा रहे हैं तो। बट हम गए ठंड में और ठंड में थी वहाँ पे स्नो, और जैसे ही दोपहर में धूप निकलती है वो स्नो पिघलना चालू कर देती है और फिर सारा जो सरफेस है वो स्लिपरी हो जाता है और आपके स्लिप होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। मतलब हम ऊपर जब चल रहे थे जब भी हम काफ़ी स्लिप हो रहे थे, बट उतरने में वो डेंजर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता था। तो ये जो हम पूरा रास्ता भटके, दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि ये जो खतरे है इससे हम बच गए, क्योंकि जो हमारा आधा ग्रुप था जो हमसे अलग आया था वो तो रास्ता नहीं भटका था और उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई वहाँ पे। मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग वहाँ पे उस रास्ते में गिरे और कुछ लोग तो बैठ के चल रहे थे क्योंकि उनको इतना डर लग रहा था चलने से। जैसे ही टर्न लेते हो ना वो आ जाता है, वही हमने गलत टर्न लिया इसलिए बच गए हम लोग। बच नहीं गए यार, जिंदा बच रहे। मेधा भाई तुम समझ रहे हो, तुम्हारी हालत है, मेधा की हालत होगी, सबकी हालत खराब थी भाई उसमें। सो रास्ता भटकना वाज अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि हमने एक नई जगह एक्सप्लोर करी, एक नया रास्ता एक्सप्लोर करा, एक नया ट्रेल बनाया, और जो खतरनाक रास्ता था जिसपे फिसलने के चांसेस थे और जिसपे जो लोगों को चढ़ने प्रॉब्लम हो रही थी उनको उतरने में कितनी हो सकती थी पता नहीं क्या ही होता, तो काफी हम वहाँ पे बच गए। कौन लीड करेगा, गन लीड कर, चलो तुम लीड करो। डरा दिया, डरा दिया तो छोटा बड़े उसने। चलो भाई चलो 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 सब चलो। So we have reached the Shiva Gap. Yes, so this is Bhaktu Fall. लास्ट टाइम हम जब यहाँ पे आए थे तो इसका फ्लो इतना तेज़ था कि इसको पार करने की जो दूर
हम लोग इसके पास भी नहीं जा पा रहे थे, हमें कुछ वहाँ दूर से फोटो क्लिक करवाए थे। रास्ते शांत है काफी, शिवा कैफे होट मेरे एकदम फट चुके हैं भाई साहब, पानी नहीं पीने का मन ही नहीं कर रहा, इतना ठंडा पानी है कि पी ही नहीं सकते। खैर अभी जो हमारे साथ थे मेरे दोस्त वो सब भी आ गए हैं, वो लोग पीछे रह गए थे पर हम आगे निकल आए थे, वो सब भी आ गए। अब यहाँ पे थोड़ा शिवा कैफे पे चिल करेंगे, फिर देखते हैं कुछ खाते पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो कैसे यहाँ पे खत्म होता है हमारा तिरुण ट्रक का व्लॉग। ये दो व्लॉग्स मैंने डाले हैं, एक ऊपर चढ़ने का और एक उतरने का। इसके बाद हमारी मैक्लोडगंज की और बिर की जर्नी स्टार्ट रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर बहुत पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। तो मैं लेता हूँ अलविदा, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। रिकॉर्ड भी हो गया।